नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 24 का रण किसका? राज सिंहासन। जी हां, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस दौरान वोट डाला। तो 21 राज्यों के 102 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। तो पहला चरण है और आज कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि आपको बता दें आज इन लोग कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत जनता के जरिए ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आज पहले चरण के तहत वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और लगातार जनतंत्र टीवी भी अपील कर रहा है कि आप सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये आपका हक है, आपका अधिकार है कि आपको चुनना है कि आपके लिए कौन बेहतर है। इसके लिए आपको घरों से बाहर निकलना होगा। और देखिए, आज के दिन ऐसी तस्वीरें हमेशा से सामने आती हैं कि किसी ना किसी का शादी ब्याह निकाह सब कुछ होता है, लेकिन उसी वेशभूषा में सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सीधा उसी वेशभूषा के साथ, यानी दुल्हन की पूरी ड्रेस देखकर साथ समझे कि कितनी जिम्मेदार नागरिक के, बाकी काम बाद में, पहले मतदान। तो ये दुल्हन डाई है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए और शादी की वेशभूषा में गहने जेवर से लदी हुई दुल्हन। सुनते हैं क्या कह रही है। अभी आपकी शादी के मंडप से आप आ रही है, क्या मुद्दे हैं जो आप एकदम से वोट डालने आई हैं? क्या मुद्दे नजर में रखे? यही कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है एक आम जनता का, कि भाई वो अच्छा नेता चुने, है ना, यही सब। और सबसे पहले हमारे चाचा जी हैं, हमारे गांव से हैं, तो हमारा फुल सपोर्ट डिसाइड। इसलिए मतलब शादी तो अभी सुबह ही तो हुए हैं, फिर सुबह ही हुए हैं। अभी मैं घर पे विदा भी नहीं हुई हूँ, अभी यहाँ से जाने के बाद फिर विदाई हुई।